स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ इस फिगर में देखो, ये जो DE दिया है ये टावर दिया हुआ है, AC क्या है, चिमनी। तो टावर के टॉप से लेके चिमनी के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, चिमनी के नीचे वाले पार्ट से लेके टावर के जो टॉप पार्ट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री का है। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है ये, तो इसलिए ये एंगल इसके इक्वल है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, अगर ये जो हाइट है टावर की वो 40 मीटर दी है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट फाइंड करेंगे चिमनी की, ये जो AC है इसकी हाइट फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म द मिनिमम हाइट ऑफ द स्मोक एमिटिंग द चिमनी शुड बी द 100 मीटर। तो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म के अकॉर्डिंग जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए धुएं को प्रोड्यूस करने की वो कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन चिमनी मीट द पोल्यूशन नॉर्म, व्हाट द वैल्यू इज डिस्कस इन द क्वेश्चन। अगर जो हाइट है धुएं को प्रोड्यूस करने की वो पोल्यूशन नॉर्म से अधिक हो जाए, देन फाइंड करेंगे द वैल्यू इज डिस्कस इन द क्वेश्चन, कि वो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो DE है अगर 40 डिग्री है तो ये भी ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो AB कितना हो जाएगा, इसको ले लेंगे H-40। तो इसको अब हम देखते हैं, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे CED। तो ट्रायंगल CED में टैन 30 डिग्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर DE है और बेस कितना दिया है, DC। तो इसको लिख लेंगे DE अपॉन DC। तो DE जो है वो 40 मीटर है, और DC जो है इसको एज इट इज ही लिख लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता। टैन 30 का एंगल कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 40/DC। तो DC कितना आ जाएगा, 40/√3। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो वो है AEB। तो ट्रायंगल AEB में टैन 60 डिग्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन बेस। तो AB अपॉन BE, तो टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो AB कितना है, H-40/BE। अब ये देखो, ये जो BE है वो पैलर किसके है, DC के। तो हम BE की जगह DC भी लिख सकते हैं, ताकि जब हम वैल्यू को कंपेयर करें तो ये हम निकाल सकें कि चिमनी में जो धुआं है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको लिखेंगे √3 इज इक्वल टू H-40/DC। अब ये देखो, ये इसमें DC की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो DC इक्वल टू H-40/√3। अब ये भी वैल्यू DC की है और ये भी DC की है, दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो लिखेंगे 3 इज इक्वल टू H-40/√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40/3 इज इक्वल टू H-40। तो 120 इज इक्वल टू H-40। तो 120 प्लस 40 इक्वल टू H, तो 160 इक्वल टू H। अब ये देखो, ये जो पोल्यूशन है, जो धुआं छोड़ रही है चिमनी, वो कितना छोड़ रही है, उसकी हाइट कितनी है, 160 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि यस, इट मीट द पोल्यूशन नॉर्म। तो ये जो चिमनी में से धुआं आ रहा है वो कितना है, 160 मीटर। तो हम लिख देंगे यस, इट मीट द पोल्यूशन नॉर्म, क्योंकि वो 100 मीटर से ऊपर का है।